पॉलिटेक्निक कॉलेज बड़ू के विद्यार्थियों ने कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते ऑनलाइन परीक्षाएं करवाने की मांग उठाई है। इस सिलसिले में इन विद्यार्थियों ने उपायुक्त हमीरपुर देवश्वेता वणिक के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भी भेजा है। विद्यार्थियों का कहना है कि हमीरपुर के साथ ही प्रदेश भर में कोरोना के मामलों में पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ऐसे में ऑफलाइन परीक्षाओं में संक्रमण का खतरा अधिक होगा, जिसके चलते ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित करना एक बेहतर विकल्प है। विद्यार्थी तर्क दे रहे हैं कि उनका विभिन्न विषयों की पढ़ाई अभी पूरी तरह से नहीं हुई थी, जिस कारण ऑफलाइन परीक्षा के लिए विद्यार्थी भी तैयार नहीं है। कोरोना वैक्सीन पर विद्यार्थियों का कहना है कि जिन विद्यार्थियों को ये लग चुकी है उनमें भी संक्रमण पाया जा रहा है। ऐसे में खतरा अभी टला नहीं है। उपायुक्त कार्यालय पहुंचे छात्रों का कहना है कि सरकारी संस्थाओं को कोरोना की वजह से बंद कर दिया गया था, लेकिन यदि ऑफलाइन परीक्षाएं होंगी तो फिर से विद्यार्थियों में संस्थान में आना पड़ेगा, जिससे संक्रमण का खतरा अधिक होगा। कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो 10वीं के बाद संस्थान में सीधा पढ़ाई के लिए आए हैं, लेकिन उन्हें भी अभी तक वैक्सीन नहीं लगी है। जिन विद्यार्थियों को वैक्सीन लगी है उनमें भी संक्रमण पाया जा रहा है। ऐसे में उन्होंने मांग की है कि उनकी परीक्षाएं ऑनलाइन करवाई जानी चाहिए। से हमें ऑनलाइन एग्जाम चाहिए, क्योंकि मैम अगर सरकार हमारे ऑफलाइन एग्जाम लेती है तो उससे कोरोना केसेस फैलने का खतरा ज़्यादा है, क्योंकि जैसे कि सरकार ने अभी कोरोना केसेस की वजह से सरकारी संस्थानों को बंद कर दिया गया है, जैसे ही हमारे पॉलिटेक्निक के छात्र दोबारा कॉलेजों में आएंगे तो वो उससे कोरोना केसेस फैलने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि कोरोना की वजह से सभी अपने अपने घर में गए हैं। तो अदर स्टेट से जब भी वो अपने कॉलेज में आएंगे तो बाहर से कोरोना आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, और इसलिए हम चाहते हैं कि कोरोना केसेस को मद्दे रखते हुए हमें हमारे ऑनलाइन एग्ज़ाम कर दिए जाएँ। वैक्सीन के मामले में कहा जाए, सरकार ने वैक्सीन लगवा दी गई है वैसे तो सभी बच्चों को, मगर जैसे कि कई पॉलिटेक्निक में स्टूडेंट्स 10वीं करके भी आए हैं तो उनकी एज 15 से भी कम है, और वैक्सीन लगने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को कोरोना हो रहा है। अभी भी देखा जाए तो जिनको वैक्सीन लगी हुई है उनको भी कोरोना हो रहा है, तो कोरोना को देखते हुए हमें हमारे ऑनलाइन एग्ज़ाम चाहिए। मैं चाहती हूँ कि हमारे भी ऑनलाइन एग्ज़ाम हो, हमारा सिलेबस तक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है और कोरोना की वजह से हमें हमारे ऑनलाइन एग्ज़ाम चाहिए। मतलब जैसे कह सकते कोरोना के केसेस हमारा जैसे पॉलिटेक है वहाँ पे अलग अलग वहाँ से जगह से आते हैं स्टूडेंट, जिनकी वजह से वहाँ पे कोरोना होने के चांसेस हो सकते हैं हमारे।